हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैं रिमाइंड करा दूँ क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी एक इंटीजर है और क्यू एक इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो को लेते हैं, जीरो को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर जीरो के नीचे हम वन लगा दें या जीरो के नीचे टू थ्री कुछ भी लगा दें, जीरो के नीचे मान लीजिए माइनस फोर लगा देता हूँ मैं, तब भी ये रहेगा जीरो ही, सारे जीरो के बराबर ही हैं। तो हमने फाइनली क्या किया है, जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। और देखने वाली बात यह भी कि क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक, हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जीरो इज ए रैशनल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया था कैसे करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें थ्री और फोर के बीच में निकालना है, गिवन है थ्री एंड फोर, टू फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। अब करेंगे कैसे, हमें निकालने हैं सिक्स, तो मैं थ्री को लिखता हूँ थ्री बाई वन और फोर को लिखता हूँ फोर बाई वन। सिक्स निकालने हैं तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों के लिए, यहाँ भी। एंड सिक्स प्लस वन, अब हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, 21/7 और यहाँ क्या मिलेगा, 28/7। हम नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ है हमारा 3, यहाँ है 4। 3 को हमने क्या शो किया, 21/7 और 4 है हमारा 28/7। अब हम सीधे काउंटिंग करते जाते हैं, 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/10, 27/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सो सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर आर, ये लिख दीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव। नहीं कर लेते हैं इसको, हमारे पास नंबर है थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव, निकालना है हमको फाइव। तो फिर वही काम करेंगे हम, फाइव प्लस वन से दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री इंटू फाइव प्लस वन, फाइव इंटू फाइव प्लस वन एंड फोर इंटू फाइव प्लस वन बाय
फाइव इंटू फाइव प्लस वन, यहाँ से हमें मिलेगा 18/25, सॉरी 30, एंड 24/30, यहाँ है 3/5, यहाँ है 4/5। इसके काउंटिंग करते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ। ये ग्राफ अगर आपको याद रहेगा तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ग्राफ ये कहता है, देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और फाइनाइट तक जाते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए डिटेल में। अब फिर इसके बाद अगर हम इसमें जीरो और ऐड कर लें इस सेट में, तो हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर के सेट। ठीक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो गया है। अब अगर हम इस सेट में निगेटिव इंटीजर्स को भी शामिल कर लें, तो ये हमारा आ जाता है इंटीजर्स का सेट। इसको हम जेड से डिनोट करते थे। अब इसमें हमारा -1 से लेके -इनफाइनाइट तक के भी ऐड हो जाते हैं। फिर अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर के सेट पे। इसमें क्या होता है, इसमें हम सारे फ्रैक्शंस वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है रैशनल नंबर का सेट। क्यू से डिनोट करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए इसमें 2/3 हमने कर लिया, 0.25 कर लिया, 0.333 कर लिया, तो ये सब पूरा हमारा रैशनल नंबर का सेट है। इसके बाद एक और टाइप होता है इरेशनल नंबर्स का, उसको भी अगर इस ग्रुप में हम ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर का सेट। एग्जांपल के लिए 01001, 01, ठीक, इस टाइप के नंबर। ये पूरा ग्राफ है। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर, अब इधर ड्रॉ करते हैं। ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, और ये पूरा होल नंबर है इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जी हाँ, यहाँ जितने भी नेचुरल नंबर हमारे प्रेजेंट हैं वो होल नंबर के अंदर ही हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रू है। सेकंड पे आ जाते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये इंटीजर और ये होल नंबर ड्रॉ करते हैं। ये होल नंबर हो गया और ये इंटीजर हो गया। अब कह रहा है कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। अब यहाँ पे जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर के सेट में नहीं, होल नंबर के सेट से बाहर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर हैं। जैसे कि मान लीजिए -2 है, -2 तो हमारा इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जितने हैं जीरो से लेके इनफाइनाइट तक आते हैं और -2 सेट में नहीं आता। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है और ये होल नंबर है। तो ये फिर ड्रा करते हैं। ये होल नंबर का और ये
रेशनल नंबर का एग्जांपल ये 2/3 हो गया, हमारे होल नंबर जितने हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक हैं। सेम इसी तरीके से है कि ये जो है रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, और अगर इस लेक्चर में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।